जय श्री महाकाल। मंत्र सिद्ध। बहुत सारे लोग हैं जो साधना कर लेते हैं, साधना करने के बाद सिद्धि भी उन्हें हो जाती है, लेकिन वह लोग यह सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं कि उनकी जो साधना है, जो उन्होंने साधना करी, वो संपन्न हुई कि नहीं हुई। वो ये बोलते हैं अधिकांश लोग कि कैसे पता चले कि मंत्र सिद्ध हुआ कि नहीं। ये बड़ा अटपटा सा प्रश्न है, बहुत अजीब। ये बिल्कुल वैसे ही है कि कोई व्यक्ति खाना खाने के बाद बोले कि कैसे पता चले कि पेट भरा कि नहीं। अजीब बात है, क्यों नहीं पता चलेगा? जब व्यक्ति खाना खाता है, जब पेट भरेगा तो जाहिर सी बात है उसे पता लग जाएगा। तो इसी तरीके से साधनाएं हैं। जब आप किसी साधना को करते हो, किसी आप सिद्धि को करते हो, तो आपको पता लग जाता है कि वो सफल हुई कि नहीं हुई। यदि फिर भी आपको पता नहीं लग पाता है कि जो हमारा मंत्र है ये सफल हुआ या नहीं हुआ, वो शक्ति आई या नहीं आई, तो इसके कुछ प्रयोग हैं, जो कि प्रयोग काफ़ी प्राचीन प्रयोग हैं। और उन प्रयोगों में से होता है पेड़ को सुखाना। जी बिल्कुल, इसमें यह होता है कि जब कोई मंत्र सिद्ध हो जाता है, जैसे कोई मंत्र है सिद्ध हो गया, तो हम उसको चलाते हैं। अब हम कहाँ प्रयोग करें उस मंत्र का, हमें पता कैसे चले कि वो सिद्ध हुआ कि नहीं? तो एक प्रयोग है, उसमें धैर्य की आवश्यकता है, विश्वास रखने की आवश्यकता है। जब आप धैर्य और विश्वास रख लेते हैं तो वह प्रयोग किया जाता है 7 दिन या 11 दिन तक, एक पेड़ के ऊपर या एक पौधे के ऊपर कि इसको सुखा दो। और जब ये प्रयोग आप लगातार करते हैं 7 दिन या 11 दिन तक, मंत्र पढ़ते हुए, क्रियाएं करते हुए, थोड़ी लंबी विधि है ये, जब आप ये क्रिया करते हैं तो वो पेड़ 7 या 11 दिन में सूख जाता है। जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है तो वो इस तरीके से मंत्र कार्य करता है, पेड़ सूख जाता है। इसके बाद मंत्र का दूसरा चरण शुरू होता है, यानी कि अब मंत्र की जीवनदायी ऊर्जा भी देखनी है कि हाँ, क्या हमारी जो शक्ति है, जो हमने मंत्र सिद्ध किया है, क्या ये सिर्फ संहारक ही है या फिर जीवनदायी भी है। इसके बाद पुनः उस पेड़ के ऊपर उस मंत्र को मारा जाता है, यानी कि फूंक के माध्यम से मंत्र को चलाया जाता है, और इसके बाद उस पेड़ को हरा भरा किया जाता है। और ये भी बिल्कुल क्रम वैसे ही है, 7 से 11 दिन। 7 से 11 दिन में पहले पेड़ सूख जाएगा या पौधा सूख जाएगा, इसके बाद आप दोबारा उसको हरा भरा करेंगे। ये पद्धति अलग है, इसमें धैर्य की आवश्यकता है, काफ़ी सारे लोगों ने इस तरीके के प्रयोग किए हुए हैं। अब दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है आपकी कि आप सबसे पहले तो मंत्र की स्थिति जानें कि मंत्र की स्थिति क्या है। अलग अलग तरीके के मंत्र होते हैं। पहले मंत्र होते हैं कार्य सिद्धि के, दूसरे मंत्र होते हैं कृपा प्राप्ति के, तीसरे मंत्र होते हैं आपके सिद्धि के। जो कार्य सिद्धि मंत्र होते हैं, वह मंत्र आपका कार्य कर देते हैं। जब आप उस मंत्र को संकल्प लेके जाप करते हो कि मैं इतने इतना जाप करूंगा, संकल्प लेके मेरा ये वाला कार्य हो जाए, तो वो कार्य सिद्ध हो जाता है। इनको बोलते हैं हम कार्य सिद्धि मंत्र। इसके बाद दूसरे मंत्र होते हैं कृपा प्राप्ति मंत्र। जब आप वो मंत्र का जाप करते हैं कृपा प्राप्ति मंत्रों का, तो उससे आपके ऊपर विशिष्ट कृपा आती है, उस शक्ति की, उस महाशक्ति की, जिस महाशक्ति की आप उपासना कर रहे हैं, जैसे महादेव हुए, माँ दुर्गा हुई, तो इनकी आपके ऊपर कृपा आती है। इसके बाद तीसरे मंत्र होते हैं सिद्धि के। जब आप सिद्धि वाले मंत्र करते हो तो अब आपके साथ वो शक्ति चलने लगती है आदेश रूप में। तो इस तरीके से 3 मंत्र होते हैं, तीनों तरीके से कार्य करते हैं। यदि आप सिद्धि वाला मंत्र कर रहे हैं किसी को सिद्धि वाला, तो वो कार्य सिद्धि में पूर्ण तरीके से कार्य नहीं करेगा। लेकिन अगर कार्य सिद्धि में आप कार्य मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं या कार्य सिद्धि मंत्र का आप प्रयोग कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आपके पास सिद्धि आ जाए, तो भूल जाइए, क्योंकि सिद्धि नहीं आएगी। और अधिकांश त्या लोगों के साथ यही हो रहा है कि लोग कार्य सिद्धि मंत्रों का जाप कर रहे हैं और उन्होंने सिद्ध कर रहे हो, बोलते हैं कि हमारे पास सिद्धि नहीं आई। भाई सिद्धि कैसे आ जाएगी? जब आप मंत्र कर रहे हो कार्य सिद्धि वाले, तो कार्य सिद्ध ही होगा ना, सिद्धि थोड़ी आएगी। जब आप किसी के लिए संकल्प लेकर उस मंत्र का जाप करोगे तो उसका कार्य सिद्ध हो जाएगा।
तो इस तरीके से है। लेकिन इसके बाद भी एक और प्रश्न लोगों के जेहन में आता है, विचारों में आता है, और वह प्रश्न यह है कि हमें पता कैसे चले कि हमारी सिद्धि संपन्न हो गई। तो पहली चीज तो क्या है कि खुद से पता करें। खुद से पता करने के लिए जब आप सही क्रम में करेंगे तो आपको उसका आभास हो जाएगा कि वो शक्ति आपके पास आ चुकी है। दूसरी चीज, यदि आपके पास ये क्षमता नहीं है तो आप किसी ऐसे जानकार व्यक्ति से मिलें, ऐसे व्यक्ति से मिलें आपको लगता है कि उस व्यक्ति के पास कोई सिद्धि है, या वो व्यक्ति परालौकिक जगत की शक्तियों को महसूस कर सकता है, उसके पास कोई ऐसी चीज़ है जिससे वो अदृश्य जगत की शक्तियों को देख सके। तो आप जब ऐसे व्यक्ति से संपर्क करते हैं तो वो व्यक्ति आपको बता सकता है कि आपने जो साधना, आपने जो सिद्धि की, वो सफल हुई या नहीं हुई, वो शक्ति आई या नहीं आई, कितने प्रतिशत वो शक्ति आपके ऊपर कार्य कर रही है, या कितने प्रतिशत वो शक्ति आपसे जुड़ चुकी है। तो ये सब आपको वही व्यक्ति बता सकता है जिस व्यक्ति ने पहले से चीज कोई की हुई है। और ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति होता है, जब आप किसी व्यक्ति से पूछते हैं, किसी जानकार व्यक्ति से पूछते हैं, तो उसके पास क्षमता है तो आप उसको अपनी नई फोटो भेजेंगे, या वो आपसे मुखातिब होगा, यानी कि रूबरू जब आप उससे मिलेंगे तो उसको पीछे दिखाई दे जाएगी वो चीज़, वो अक्स दिखाई दे जाएगा कि आपके साथ कौन सी चीज़ चल रही है इस समय। और ऐसा ही होता है, जो सिद्धि वाले लोग होते हैं उनके पीछे सिद्धि चलने लगती है। और इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई सिद्धि हासिल हो जाए तो किसी भी अपरिचित व्यक्ति को ना बताएं। क्यों ना बताएं, या क्यों उनको छुपा के रखें। दूसरी चीज़ एक और है आपकी कि उन चीज़ों को आप छुपा के रखें, इसलिए छुपा के रखें ताकि कोई जानकार व्यक्ति उनको देख के आपसे खींच ना ले। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अगर आप ज़्यादा किसी को बताएंगे और उन्हें दिख गई आपके पीछे कोई शक्ति खड़ी हुई है, तो वो अपनी शक्तियों के माध्यम से आपकी शक्तियों को खींच सकते हैं, फिर आपकी सिद्धि खत्म हो जाएगी। आपको जो आभास होते हैं, आपको जो इंट्यूशन मिलते हैं, आप जो कार्य लेते हैं उन चीज़ों से, वो खत्म हो जाएगा, वो चीज़ उस व्यक्ति के पास चली जाएगी। या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने, अब आपको कई सारे लोग हैं जिनको ये पता नहीं चलता, साधना कर लेते हैं, करते जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कौन आया कौन गया, और कोई जानकार व्यक्ति है, उसने देखा, आपको देखा, उसको पीछे खड़ी चीज़ दिखाई देगी, अरे इसके साथ तो ये चल रहा है, अच्छा चलो आ जाओ, आ जाएगा वो चीज़ आपके पास आ जाएगी। तो ये चीज़ होती है। कई सारे लोग तो ऐसे मिले कि जिनके साथ जिन्न चलता है अदृश्य तरीके से, लेकिन उनको पता ही नहीं है, ना वो काम ले पाए उस जिन्न से कभी, ना वो उससे बात कर पाए, ना उसको वो समझ पाए। तो ये सब जब ही आप समझ सकते हैं, जब या तो आप अपने अंदर खुद से क्षमता विकसित करें, या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जिस पे आपको यकीन हो कि वो व्यक्ति जानकार है, तो आप उससे संपर्क करें, वो व्यक्ति आपको स्कैनिंग के माध्यम से बता सकता है। स्कैनिंग का मतलब ये होता है कि आपके बारे में पूरी की पूरी जानकारी निकालेगा वो परालौकिक जगत की शक्तियों के माध्यम से, जैसा स्कैनर होता है उसी तरीके से वो पूरा का पूरा आपको परालौकिक शक्तियों के माध्यम से स्कैन करेगा, और आपके ऊपर जो परालौकिक जगत की शक्तियाँ हैं या जुड़ी हुई हैं, उन्हें वो ट्रेस कर लेगा, देख लेगा, महसूस कर लेगा, और आपको एक सही मार्गदर्शन दे देगा। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिर आप लोगों की कमी कहाँ पर हो रही है, कौन से मंत्र हैं जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या आप ये समझ रहे हैं कई मंत्रों को कि वो सिद्धि वाले मंत्र हैं, लेकिन आप जाप कर रहे हैं सिर्फ कार्य सिद्धि मंत्र का, इसलिए वो सिद्धियां नहीं आ पा रही। तो यही मूल कारण है, इसको जब आप जान लेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर नहीं अच्छा लगा अनलाइक कीजिए, चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग नए जुड़े हुए हैं, और अगर चैनल नहीं अच्छा लगता है तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे मर्जी वैसे कीजिए। जय श्री महाकाल।